22 जनवरी 2021 आज हम ट्वेंटी गीता आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोग चैप्टर नंबर से स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इन करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय हे राधा कृष्णा आपकी इतनी कृपा है हम पे कि आप हमारे ग्रोथ के लिए कितने सारे टूल्स कितने सारे अमेनिटीज़ दे रहे हैं थैंक यू सो मच कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल को कंटीन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हैं हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आपका नाम हम को हम दूर दूर तक पहुंचा पा रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग अस एज अ चैनल इतने लायक समझने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़ ब्लेस करिए कि हमारा ये इनकारनेशन हम बेवकूफ़ी करके वेस्ट ना करें हम मोह में आकर अपना पैर ना डगमगाए हमारा फोकस अर्जुन जैसा हो मछली की आँख पे, हम एकदम गोल ओरिएंटेड आगे बढ़ते रहे थैंक यू प्रभु जो जो ये भगवत गीता सेशन सुनने की कोशिश कर रहा है जिसके मन में भी इच्छा है अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आता है तो कृपया वो ऑब्स्टेकल्स को हटा दीजिए उनके घरों को ब्लेस करिए उनके नेटवर्क उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ब्लेस करिए उनकी फ़ैमिली को ब्लेस करिए उन्हें ब्लेस करिए थैंक यू प्रभु अब हम शुरू करेंगे सो so, uh, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको कि आप लोगों ने बहुत वर्क हार्ड किया और हमारा फेसबुक ग्रुप 460 ऑलमोस्ट मेंबर्स अभी हो गए एंड हमारा YouTube भी सब्सक्राइबर्स 386 ऐसा कुछ हो गया है ऑलमोस्ट 384 386 तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर वर्क आप लोग जिस वेह um, सब से सबसे बात करते हो शेयर करते हो इन्फ्लुएंस करते हो तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है ये सब आपका हार्ड वर्क है सो ये दिस इज़ रियली रियली ग्रेट कंटिन्यू योर वर्क हम घर बैठे बैठे भी भक्ति के मार्ग पे आगे जा सकते हैं दिस इज अमेजिंग हमें ना घर से बाहर निकलना पड़ रहा है ना हमें कोई पैसा खर्चा करना पड़ रहा है बट हम हाई लेवल की भक्ति कर सकते हैं सो दिस इज़ रियली अमेजिंग सो वी विल स्टार्ट तो टेक्स्ट नंबर 19 में है द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड यस आई विल Tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna. For my opulence is limitless. Krishna Bhagwan का कोई limit ही नहीं है. आपने जब Virat रूप उनका जब भी आप लोगों ने Mahabharat serial देखी होगी, उसमें जो उनका universal form या Virat रूप देखा होगा, तो उसका ना beginning था ना end था. उसी तरह कृष्ण भगवान के गुणों की या उनके क्वालिटीज की भी कोई लिमिट नहीं है उनकी ख्याति की कोई लिमिट नहीं है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रिहेंड द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा एंड ऑपुलेंसेस, द सेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल आर इंपरफेक्ट एंड डू नॉट परमिट हिम टू अंडरस्टैंड द टोटैलिटी ऑफ कृष्णाज अफेयर स्टिल द डिवोटिज ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा बट नॉट on the principle that they will be able to understand krishna fully at any specific time or in any state of life rather the very topics of krishna are so relishable that they appear to them as nectar thus they enjoy them मतलब एक छोटे सा छोटा सा बच्चा जो अभी अभी किंडरगार्डन में गया है उसको मैथ्स के इक्वेशन समझ में नहीं आएंगे लेकिन उसको स्कूल अगर जाता है वो तो उसको टीचर अगर चॉकलेट देती है या टीचर जो भी बातें करती है कभी कभार उसे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए वो एक्साइटेड रहता है भले उसे कुछ भी ना समझता हो तो उसी तरह कृष्णा को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन हम सब लोग एक चीज मानेंगे कि जब हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं हमें लगता है जैसे हम अमृत पान कर रहे हैं इट्स लाइक नेक्टर क्यों अच्छा लगता है ऐसी क्या बात है कृष्णा में कृष्णा को समझ तो हम पाते ही नहीं हैं इतने सारे उनके रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इतना कुछ कुछ उनके बारे में बताया गया है तो है कौन कृष्णा अगर उन्हें ब्रह्मा जी तक नहीं समझ सकते तो हम क्या चीज़ हैं तो भगवत गीता के स्टार्टिंग में यही बताया गया है ओनली द सोल्स हु सरेंडर टू कृष्णा जो उनके भक्त बनते हैं वही समझ पाते हैं जो लोग सिर्फ uh, स्पेकुलेट करने के लिए या क्यूरियोसिटी वश वो करते हैं वो उतना रिलिश नहीं कर पाते कृष्णा मेटेरियलिस्टिक है ही नहीं और हम लोगों की आदत है कि हम हर चीज़ को चखते हैं परखते हैं तब जाके हमें पसंद आता है लेकिन जो ये चखना ये परखने से ऊपर है उनको हम कैसे समझें तो कृष्णा से बस प्यार करना पड़ता है आपको कुछ भी ना समझ में आता हो मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट लगाया था Uh, उसमें मैंने बोला था कि डिफ्रेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु काफ़ी लोगों का वो उस उनको नहीं समझा बाउंसर uh, गया क्योंकि उसमें मैंने बोला था कि किस तरह से विष्णु तत्व होते हैं किस तरह से कृष्णा एक्सपैंड करते हैं तो सिंपल uh, एक दो सेंटेंस में ये समझाऊँ सपोज अब आप, आप uh, मुझे देख रहे हो हाँ मैं औरिजिनल रूपाली आई एम द औरिजिनल कैंडल अब मैं मैं कैंडल हूँ अब कोई और आकर मुझसे अपने आप को जलाता है वो दूसरा कैंडल हुआ ठीक है लेकिन वो भी सेम मैं भी सेम लेकिन मैं फिर भी ओरिजिनल। मतलब मेरे सारे क्वालिटीज़ उसमें हैं उसके सारे क्वालिटीज़ मुझ में हैं लेकिन फिर भी मैं ओरिजिनल। दो कैंडल्स को ही ले लीजिए आप अब मैं एक्सपेंड करने लगती हूँ मतलब मेरे से एक और रूपाली एक और रूपाली एक और रूपाली मतलब मैं ही हूँ वो तो उसी तरह से एक और रूपाली शायद आ, आ, क्या कहते हैं नागपुर में चली गई एक और रूपाली शायद कलकत्ता में चली गई एक और रूपाली शायद दिल्ली में चली गई पर है वो रूपाली मतलब मुझसे ही और रूपालीज निकल रही हैं तो उसी को कहा कहा जाता है एक्सपेंशन मतलब मेरी ही एनर्जी बस अलग अलग नाम से अलग अलग फॉर्म से एक्सपेंड होके अलग अलग जगह पे है ओरिजिनल रूपाली मैं ही हूँ तो वैसे ही विष्णु जी या कृष्णा जी अगर आप समझो तो कृष्णा जी ही एक्सपेंड कर ये सारा विष्णु जी शिव जी ब्रह्मा जी बनते हैं फिर वही तत्व एक्सपेंड होकर पूरे एक एक एक-एक मतलब कण कण में है हर मन में है भगवान जो बोला जाता है मतलब हर तरफ मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर उसमें कृष्णा की एनर्जी नहीं होगी तो आप लोग ये काम कर सकते हो विष्णु पुराण के पहले एक दो एपिसोड्स अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सपेंशन क्या होती है किस तरह से कृष्णा की एनर्जी इम्प्रेग्नेट करती है मटेरियल एनर्जी को और ये सारा क्रिएशन होता है जैसे मेल फीमेल को इम्प्रेगनेट करता है बच्चा होता है उसी तरह कृष्णा की एनर्जी मटेरियल एनर्जी विच इज फीमेल को इम्प्रेग्नेट करके क्रिएशन बनाती है जबकि मटेरियल एनर्जी भी कृष्णा की ही एनर्जी है वही सोर्स है अब आपका सपोज एक झरना है पानी का सोर्स अब आप उसको बाल्टी में भरो या आप उसको बॉटल में भरो हाँ या आप उसको टंकी में भरो है तो वही चीज़ बस उसका कवरिंग डिफरेंट है तो उसी तरह से कृष्णा ओरिजिनल है सारी बाकी सारी चीज़ें उनकी ही एनर्जी है मतलब कृष्णा इज द गोल्ड ऑफ बार ऑफ गोल्ड एक सोने का एक बार है ठीक है अब उस सोने का जो एक बड़ा सा uh, बार है उससे अगर एक छोटा पोर्शन आप काट दो तो वो बार में जो क्वालिटीज है वही उस छोटे पोर्शन में भी होगा करेक्ट लेकिन वो छोटा पोर्शन वो बार नहीं हो सकता तो उसी तरह हम सब कृष्णा की एनर्जी हैं लेकिन हम कृष्णा नहीं है हमारे अंदर कृष्णा के सारे क्वालिटीज है बट एट माइन्यूट फॉर्म लेकिन हम कृष्णा नहीं है तो इसलिए हमें कृष्णा से इतना अट्रैक्शन है क्योंकि हम उनके ही तो एनर्जी है तो ये सारा जो भारी भारी टॉपिक है वो आप वो विष्णु पुराण देखना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा स्लोली स्लोली आपको पता चलेगा कि किस तरह सृष्टि बनी थी या ये सब में अगर नहीं जाना है जस्ट लव कृष्णा क्या करोगे आप इतना नॉलेज भी बढ़ाकर फाइनली करना क्या है उनसे प्यार करना है सरेंडर करना है और तो कुछ करना नहीं है ये ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करनी है और इतना सिंपल वे है उनका हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना जिसके लिए कोई रूल्स ही नहीं है आप उठते बैठते सोते जागते पैदल चलते चलते वॉकिंग करते करते कर सकते हो आप जब भी अपने सोसाइटी में वॉक करते हो दो तो तीन लेडीज के साथ वॉक करते हो ठीक है उसमें गॉसिपिंग होती है गॉसिपिंग होती है तो आपकी एनर्जी में लीकेजेस हो जाता है इंस्टेड आप हरे कृष्णा चैंटिंग करके वॉक करो तो क्या होगा आपकी स्पिरिचुअलिटी भी हो जाएगी और आपकी बैटरी भी रिचार्ज हो जाएगी और कोई लीकेजेस भी नहीं होगा कोई बैड कर्मा भी नहीं होगा तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अब समझने की कोशिश करते हैं दस दे इंजॉय देम इन डिस्कसिंग कृष्णाज ऑप्यूलेंस एंड हिज डाइवर्स एनर्जीज द प्योर डिवोटीज टेक ट्रांसीडेंटल प्लेजर दे फो दे वॉन्ट टू हियर एंड डिस्कस देम

pradhanyatah is very important because we can understand only few of the principal details of the supreme lord for his features are unlimited it is not possible to understand them all and vibhuti as used in this verse refers to the opulences by which he controls the whole manifestation in the Amra Kosa dictionary it is stated that vibhuti indicates an exceptional um, exceptional Opulence. The impersonalist or the pantheist cannot understand the exceptional opulences of the Supreme Lord, nor the manifestations of his divine energy. Both in the material world and in the spiritual world, his energies are distributed in every variety of manifestation. Now Krishna is describing what can be directly perceived by the common man, thus part of his variegated energies described in this way. अब आप देखो अभी जो लोग इस ग्रुप से एसोसिएटेड हैं 99 नाइन परसेंट बोलिए हंड्रेड परसेंट लोगों ने बोला उनके घर में भगवत गीता हमेशा रही है पर उनको नहीं समझ में आती है ये मेरे वाले बीजी सेशन से समझ में आने लगा है एक्चुअली और डर भी नहीं लगता पहले भगवत गीता देख के लगता था रे ये कौन पढ़ेगा इतनी मोटी बुक है और पहले पेज से बाउंसर जाता है तो अभी समझने लगा है तो इसी तरह से जब आपको अभी ये समझने लगा है आप किसी और को जब बोलने की कोशिश करते हो वो इंसान को समझ में नहीं आता स्पेशली अपनी फैमिली मेम्बर्स को तो वो रिजेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान को पसंद नहीं करते हैं कुछ उनको समझ में नहीं आता कि कृष्णा है क्या और ये कृष्णा को समझना मतलब एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है उसके लिए भी कर्मा चाहिए तो ऐसे लोगों को जो आप चाहते हो कि जैसे भी हो ये कृष्णा बने उनको आप चैंटिंग डोनेट करो चार माला चैंटिंग एवरी डे उन्हें डोनेट करो इससे अच्छा डोनेशन कुछ हो ही नहीं सकता है सच बता रही कि उनको कृष्णा से उनका कनेक्शन बन जाए दिस इज द बेस्ट चैरिटी आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अरे यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता या ये मेरी बात ही नहीं सुनती इसको समझ में नहीं आ रहा वो अपना लाइफ वेस्ट कर रहा फलाना डाना का सोचो कि वो इंसान को समझ में आएगा भी नहीं और क्योंकि उसका कर्मा भी नहीं है राइट सो इसलिए बेस्ट क्या है कि उसको चैंटिंग अप डोनेट करो और ये बोलो कि आ, मतलब इसका कनेक्शन कृष्ण भगवान से हो जाए ठीक है हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्वेंटीथ टेक्स्ट में चलते हैं आई एम द सेल्फ ओ गुड़केशा सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स आई एम द बिगनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ ऑल बींग्स इन दिस वर्स अर्जुन इज एड्रेस्ड एज गुड़केशा विच मीन्स वन हु हैज कॉन्कर्ड द डार्कनेस ऑफ स्लीप For those who are sleeping in the darkness of ignorance, it is not possible to understand how the Supreme God manifests Himself in the material and the spiritual worlds. Thus, this address by Krishna to Arjuna is significant because Arjuna is above such darkness. The personality of Godhead agrees to describe His various opulences. Abhi aap socho, Arjuna kya level hamari level hai? हमारी लेवल है अगर भगवान अपना विराट रूप हमारे सामने दिखाते हम बेहोश हो गिर जाएंगे अर्जुन तो फिर भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे हम हम सोचो हमारे सामने कॉकरोच आ जा जाता है तो हमारी हालत क्या होती है और कृष्ण भगवान अगर आकर अपने सारे इतने सारे विराट रूप उसमें इतना बड़ा मुंह और हथात और जीव और धुआं निकलता हुआ कहीं आग निकलता हुआ तो य, ये सारे जो हर टाइप के फॉर्म्स है ना उनके तो हम तो वही भी पे मतलब तो गिर, गिरे रहेंगे पड़े रहेंगे बाकी समझना तो दूर समझने तक का लेवल ही नहीं है तो इसलिए भगवान वेरी इंटेलिजेंट उन्होंने अर्जुन को चूज किया। ओके। okay? अच्छा। डार्कनेस ऑफ स्लीप मतलब जो सो रहा है कौन सो रहा है ऐसा नहीं जो बेड पे सो रहा है इसका मतलब है जो इग्नोरेंट है मतलब जिस जो जिसको अब तक समझ में ही नहीं आया कि हमारी लाइफ सिर्फ खाना पीना बच्चा पैदा करना मर जाना नहीं है इसलिए हमने जन्म नहीं लिया ये ह्यूमन फॉर्म का वेस्टेज है अगर हम ये सोचिए तो कुत्ता भी करता है एक बिल्ली भी करती है पैदा होता है कुत्ता खाता है पीता है सोता है बच्चा पैदा करता है तो हम में और डॉग में क्या डिफरेंस है फिर

जिनको ये बात नहीं समझ में आती जो तुम्हें देख के बोलते होंगे जैसे मुझे कहते हैं बहुत लोग अरे इतने कम उम्र में तुम ये सब में घुस गई ये सब बुढ़ापे में करते हैं तो वो लोग इस कैटेगरी के हैं स्लीपिंग इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस ये सेंटेंस याद करना आपसे जो कोई भी आपको बोले कि अभी तो आपको एंजॉय करना चाहिए पार्टी करना चाहिए वो सब करो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही सब छोड़ देना है पर ये चीज भी ध्यान रखो कि जो मेट्रियलिस्टिक एंजॉयमेंट होती है ना उसकी लत लग जाती है डेंजरस है वो चीज़ मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा अब जिसको ज़्यादा भाव दोगे वो ज़्यादा चढ़ के बैठेगा आपके सर पे मैंने हमेशा बोला आप आ, बीच में खड़े हैं एक साइड में कृष्णा है एक साइड में माया है आप कृष्णा के तरफ जाएंगे माया से दूर होंगे आप माया के तरफ जाएंगे कृष्णा से दूर होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ कितने वीक्स निकल गए और आप ढंग से आपने ने, ने चैंटिंग की ना किसी को हेल्प कर पाए और आप लोअर इमोशंस में फंस गए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है माया का टैक्टिस में आपको समझाती हूँ माया इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय कृष्णा जी ये मत समझो कि माया कोई बहुत बुरी चीज है कृष्णा जी ने ही क्रिएट किया क्या है इसका सीक्रेट समझो कृष्णा जी कौन है परफेक्ट पर्सनैलिटी परफेक्ट पुरुष ओके अब वो चाहते हैं कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझसे अनकंडीशनल ट्रू और परफेक्ट लव करे आप भी यही चाहते हो ना जब आप किसी भी एज में जब आप अपना लवर ढूंढ रहे थे या अपना सोलमेट ढूंढ रहे थे या अपना स्पाउस ढूंढ रहे थे आपने भी यही सोचा कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो चाहे मैं कुछ भी करूं लेकिन मुझसे प्यार करना ना छोड़े तो कृष्णा जी ने सोचा कि मैं अगर ऐसे बांसुरी बजा के मोर पंख लगा के सामने आ जाऊं तो सभी मुझ पे फिदा हो जाएंगे ये तो टेस्ट नहीं हुआ तो उन्होंने क्रिएट किया माया मेटर एनर्जी ठीक है ये है भ्रम आइसक्रीम चॉकलेट हाँ फिर फिर पार्टीज अभी तो एकदम वो है ना वो कौन सा गाना है था वो बीच में आया था मैं मैं तो तो भूल ही जाती क्या बोल रही हूँ कि जब हम सपोज हम पार्टी सोचो तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स आए घूमने तुम्हारे घर पे उनसे बातचीत करके खाना पीना डांस किसी अच्छा नहीं लगता सबको अच्छा लगता है ठीक तो स्टार्टिंग में मेटेरियलिस्टिक एनर्जी आपको बहुत सुख देगा वाह चलो फिर से चलते हैं वीकेंड पे इसके घर चलते उसके घर चलते हाँ हाँ ही ही हु हु बढ़िया बढ़िया कोई कुछ नहीं फिर धम से नीचे फेंकेगा आपको क्या शायद हेल्थ खराब या फाइनेंस में प्रॉब्लम या कुछ नहीं फिर भी ऐसा लो लो फील हो रहा है ये सब स्टार्ट हो जाएगा तब आप रियलाइज़ करोगे कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रही थी इतने दिनों से इतने सालों से वो तो मुझे परमानेंट सुख दे ही नहीं पाता और एक छोटी सी ऊंच नीच और आप हिल जाओगे सपोज हस्बैंड की जॉब चली गई या सपोज बच्चा भयंकर वैसे बीमार हो गया बस फिर आपको लगेगा आपकी लाइफ खत्म तब ना आपको पार्टी करने का मन करेगा ना कुछ तब आप भागो के स्पिरिचुअलिटी की तरफ कि मुझे बचा लो मेरे बच्चे को बचा लो मेरे हस्बैंड को बचा लो मेरे मेरे हस्बैंड को जॉब दिला दो तो तब आप कंसिडर करोगे कृष्णा या वॉट एवर आपके अप, जो भी कर्मा के हिसाब से जो भी स्पिरिचुअल पात आपने सेलेक्ट किया है जन्म लेने से पहले कृष्णा चुपचाप मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं अच्छा ठीक है हाँ अब आप कृष्णा भक्ति में सपोज आपका इतना कर्मा जनरेट हो कृष्णा भक्ति में घुस गए घुस कर ही भगवान सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैकेज दे देते हैं सो so देट हाँ कि आपको मतलब सोचो कृष्णा जी बहुत स्मार्ट है वो आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे जैसे आप उनकी भक्ति शुरू करोगे कि हाँ आपको लगेगा हाँ भाई कृष्णा मतलब है है वो है और वो मुझे प्यार करते हैं एंड वंडरफुल ठीक है इतना अच्छा लॉलीपॉप आज तक मिला नहीं तो पहले लॉलीपॉप पकड़ा दिया फिर क्या करेंगे वो अपने कुछ कदम पहले आप एक कदम लोगे तो दस कदम लेके आपके पास आएंगे आपको लॉलीपॉप पकड़ाएंगे फिर वो मेटरलिस्टिक एनर्जी को सामने लेके खड़ा कर देंगे तब होता है टेस्ट आपको लगेगा लाला 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 ओहो मेरा तो सब बढ़िया मैंने तो इतनी स्पिरिचुअलिटी की इतनी स्परिचुअलिटी की मेरी लाइफ अभी सेट इस चक्कर में आप यही भूल जाओगे कि आप स्पिरिचुअलिटी आपने शुरू क्यों की अपनी कृष्णा भक्ति शुरू क्यों की मतलब आप एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आपका एक बॉयफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड आपको बहुत प्यार करता है आपको अच्छे अच्छी चीज़े खरीद के देता है गिफ्ट देता है सब कुछ देता है आपको लगता है कि हाँ सच में आप भी करते हो उसके लिए बहुत अब एक दूसरी सुंदर लड़की आ जाती है अब वो आपका बॉयफ्रेंड उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है आपकी कैसी हालत होगी क्योंकि उस लड़की से आपके बॉयफ्रेंड को बहुत कुछ ज्यादा मिलता होगा आपसे वो बोर हो गया उससे ज्यादा आपके दिल की क्या हालत होती होगी तो कृष्णा भगवान पहले ये चेक कर लेते हैं वो बहुत स्मार्ट है ना वो ये इस सब में वो पहले चेक करते कि ये जो सामने वाला ने प्रपोजल लेके मेरे पास आ रहा है <laughs> हरे कृष्णा बोल रहा है कृष्ण भगवान आप ही सब कुछ हो ये सब बोल रहा हो जरा मैं इसको टेस्ट तो करूं तो वो बेस्ट बेस्ट सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजों को सामने खड़ा कर देंगे आपके अगर आप उसमें फंस गए अगर आप लाला लाला लैंड में चले गए और ये हु करने लगे और मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिल गया बाबा अब मेरी लाइफ सेट है तो अब भूल गए कृष्णा क्योंकि जॉब में तो फोकस करना पड़ेगा दिन भर ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट बॉस ने ये काम दिया वो दिया ये फोन कॉल आपके लगभग एक महीने आपने मतलब ज्यादा कुछ किया है नहीं गिरते पड़ते एक हाथ माला चेंट किया आपको लगता है एटलीस्ट मैं इतना तो कर रही हूँ बहुत है फिर क्या होगा भगवान को पता चल गया आप में दम नहीं है प्रोपोजल रिजेक्टेड तब वो मेटेरियलिस्टिक चीजें भी हट जाएगी कृष्ण भगवान भी हट जाएंगे और आप ठन ठन गोपाल होके दोनों हाथ में अंगूठा लेके बैठे रहो तो आपको ये बात समझनी है ये सीक्रेट मैं आपको समझा रही हूं कि अगर आपको कृष्णा से प्यार करना है तो अप्स या डाउन्स कुछ भी हो वो चीज रुकनी नहीं चाहिए वो चीज हटनी नहीं चाहिए ही हैजू बी द ओनली वन वो भी नहीं वो ही कृष्णा भगवान की भक्ति भी रहे तो बढ़िया नहीं कृष्ण भगवान की भक्ति ही चाहिए इसके बाद बाकी कुछ भी रहे तो चलेगा ये मेंटेलिटी को यही चेंज करना है क्योंकि टेस्ट तो आएगा आपके पास अफकोर्स मैं भी अगर होती तो मैं भी चेक करती है अगर मुझे कोई प्रपोज करे और कहे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं भी उसके सामने डिस्ट्रेक्शन ला चेक करूंगी कि देखते कितना प्यार है मुझसे भी बढ़िया लड़की मिल जाती है तो उसका मन डोलेगा कि नहीं तो वो एग्जैक्टली exactly यही करते हैं भगवान भी वो देखते हैं और उनके स्टेप्स आगे जाते जाते और डिफिकल्ट होते रहते हैं क्या किया है उन्होंने पांडव डायरेक्ट रंक बना दिया भिकारी दर दर भटकना पड़ा छुपते छुपते जंगलों में पर क्या उन्होंने कृष्णा से प्यार करना छोड़ दिया नहीं कृष्णा ने सारे टेस्ट लिए सोचो द्रौपदी का चीर हरण हुआ उनके बच्चे मर गए सब कुछ हुआ पर क्या उन्होंने कृष्णा को छोड़ दिया नहीं तो फाइनली सब कुछ सही हुआ ना उनके साथ महाभारत वॉर वॉर सब कुछ हुआ बट दे प्रूव देम कि हाँ प्रभु चाहे कुछ भी हो आप ही हो सो दिस इज हाउ वो टेस्ट लेते हैं लेकिन वो टेस्ट किस चीज का लेते हैं जहाँ से हमारी डोर जुड़ी हुई है मतलब अटैचमेंट की डोर तो आप अकलमन बनो ना जैसे मैं सिखाती हूँ पहले ही वो अटैचमेंट का डोर काट दो तो टेस्ट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं देखो कृष्ण भगवान का फंडा एक बार समझ में आ गया ना तो हम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं देखो एक कुल्हाड़ी कहाँ मारेगा हवा में तो कोई नहीं मारेगा आपको अगर किसी को सुपारी दी जाए जा कुल्हाड़ी मार वो किसी चीज पे कुल्हाड़ी मारेगा राइट किसी डोर मतलब कोई रस्सी पे मारेगा कुछ काटने के लिए या किसी के सर पे मारे किसी पे तो मारेगा आप वो सारे रस्सियों को पहले से खोल चुके हो तो कहाँ कुल्हाड़ी पड़ेगी पड़ेगी ही नहीं आप कृष्णा भगवान से भी अटैच नहीं हो गए आप बोलोगे बस मैं आपकी सर्वेंट हूं बोलो क्या करना है क्या नहीं मुझे रात 12 बजे फोन आते हैं कि ये इंसान परेशानी में है वो इंसान परेशानी में है हाँ मैं बोलती हूँ ये जरूर है मैं बोलती हूँ प्रभु थोड़ा सा आपका जो ऊपर का डिपार्टमेंट है ना उसमें थोड़ा सा अर्थ का टाइम जोन को कंसिडर करने के लिए बोलिए क्योंकि मुझे नींद आती सुबह ऑफिस रहता है तो प्रॉब्लम होता है बट बिकॉज मैंने बोला है कि प्रभु आई एम योर सर्वेंट आप मुझे डेजर्ट में खड़ा रखो आप मुझे ग्लेशियर पे खड़ा रखो आप मुझे कहीं पर भी खड़ा रखो आई विल सर्व तो प्रभु टेस्ट करते अच्छा देखो तो जैसे ही तू प्लान कर रही थी सोने का तभी एक फ़ोन आया तुझे अभी फिर से ड्रेस चेंज करके जाना है एंड यू एब्सोल्युटली नो आइडिया कि तुम कैसे हेल्प करोगी उसको लेकिन तुमको मुझ पर भरोसा है कि नहीं कि इट विल फाइनली वर्क आउट ही टेस्ट और आजकल थोड़े ज़्यादा ही टेस्ट बढ़ रहे हैं आई डोंट नो वाई पर बढ़ रहे हैं सो so, uh, मैं भी खुद को यही बोलती हूँ कि प्रभु आपने बोला है आपने दिया है ये मेरे सामने मैं ये नहीं सोचूंगी मुझे करना है कि नहीं यू हैव सैंक्शनड इट आई विल डू इट एंड ऑफ स्टोरी ये क्वेश्चन question, क्वेश्चनिंग में नहीं जाऊंगी मैं क्वेश्चन करना मतलब ही सरेंडर नहीं है आपको लगा मुझे आपने मेरे सामने देखो द स्पिरिट टेक्स केयर ऑफ इट ऑल मैंने ये आ, पहले भी समझाया है रेडिकल फॉरगिवनेस बुक में जो लिखा था कि आपके सामने एक सिचुएशन आ रही है वो सिचुएशन का एंड क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा उसके साथ आपको कुछ लेना देना ही नहीं है बस उस सिचुएशन के वक्त आप अपना क्या थॉट्स रखते हो आपकी क्या वाइब्रेशन होती है आपका क्या एक्शन होता है ओनली दैट मैटर्स मतलब आप एक सामने किसी को देख रहे हो किसी बच्ची का रेप होते हुए मतलब अब आपके सामने है मतलब आपको परफॉर्म करना है अब आपने या तो पुलिस को फोन किया या आप खुद जाके जंप मार के डिशुम डिशम करने लगे या वॉट ये उस समय आपका थॉट क्या था कि आपने सोचा जाने दो कौन ये सब झमेले में पड़ेगा भाग जाते हैं ये आपका थॉट आपका वाइब्रेशन आपका क्या बन गया भाग्य मेरा आज का थॉट आज का वाइब्रेशन इज माई कर्मा मेरा आज का कर्मा कल का भाग्य बनाता है तो मैं आज के थॉट के बेसिस पे मेरा कल का भाग्य बन गया लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि मैंने ये कर्मा किया मतलब मैंने जम मारुसुम एक, एक से मारा तो बच्ची का रेप होना बच जाएगा या बच्ची का रेप हो जाएगा नहीं वो जो होने वाला होता है वो यूनिवर्स अपने कंट्रोल में रखता है वो स्पिरिट को जो करना होता है वो करता ही है अगर ऐसा होता तो इतने सारे पेरेंट्स के सामने भी बच्चे मरे हैं बचा सकते थे पेरेंट्स नहीं तो आपने एक घूसा मारा तो हो सकता उधर से भी घूसा है आप रोश हो जाओ तो जो रेप होने वाला था वो हो गया क्योंकि इट वॉज डेस्टैंड दैट वे क्यों डेस्टैंड क्योंकि बिकॉज मे बी वो लड़की लड़की की आत्मा ने पिछले जन्म में किसी का रेप किया होगा तो उसको ये भोगना ही होगा टू न्यूट्रलाइज द कार्मिक अकाउंट तो आप उसके बीच में पढ़कर आप उसको रोक नहीं सकते बट आपने क्योंकि काइंडनेस दिखाया आपने दिखाया कि नहीं आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई आपका आपका थॉट अलाइंड हो गया 90 डिग्री विद डिविनिटी आपका भाग्य बन गया कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में पड़े या आपके फैमिली मेंबर ऐसा कोई सिचुएशन पड़े यू आर एंटाइटल्ड फॉर हेल्प कोई ना कोई चैनल भगवान तब भेजेंगे आपको हेल्प करने के लिए क्लियर हुआ ये बात बहुत डीप बात है ये समझो तो आप कभी ये मत मायूस भी मत हो कि मैंने कोशिश की पर उस इंसान को बचा नहीं पाया हाँ इसमें कभी मत जाओ आप होते कौन हो आप डुअर मोड में नहीं जाओगे आप होते कौन हो हम सब एक इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बींग है आपको लगता है भगवान हम पे इतना भरोसा करके सृष्टि चला रहे होंगे उल्लू समझ कर रखा है क्या उनको नहीं पता एक जोक बताते आप लोगों को एक बार आ, एक कुछ तो था मतलब साइंटिस्ट कुछ साइंटिस्ट ने स्टूडेंट साइंटिस्ट स्टूडेंट्स ने एक प्लेन बनाया था हा और उनका जो टीचर था उनको बोला कि प्लीज आप बैठिए आज हम फर्स्ट टाइम ये प्लेन बनाया हम हम उड़ेंगे तो कुछ पत्रकार व्यूज पत्रकार पे जर्नलिस्ट आए बोले कि हाँ फोटो खींचते वक्त वो उससे पूछा कि आ, आपको डर नहीं लग रहा आप प्लेन में बैठ गए मतलब आप देख तो लेते कि प्लेन उड़ रहा है कि मतलब प्रॉपरली उड़ रहा कुछ डिफेक्ट तो नहीं है तो मतलब कुछ हो गया तो क्रैश हो गया तो क्या होगा तो वो टीचर ने बोला मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है प्लेन उड़ेगा ही नहीं तो क्रैश कहाँ से होगा ठीक है तो यही बात हम सबकी है तो, कौन नहीं, तो टेंशन की ही बात नहीं है। तो भगवान भी हमारी औकात अच्छी तरह जानते हैं और रिलैक्स रहते हैं इसलिए उन्होंने हमारे हाथ में वो कंट्रोल ही नहीं दिया है तो आप इस गलत फेहमे में रहो ही मत कि आप डुअर हो आप हो ही नहीं डुअर तो इसी तरह जब आपको किसी के पास भगवत गीता भेजना होता है या पोस्ट शेयर करना होता है आप ये सोचते हो ना पता नहीं इंसान सुनेगा कि नहीं पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं ओ वो काम आपको करना ही नहीं है आपका काम है भेजना मैं पहले पहले बहुत शर्माती थी अगर फोन करना हो ऑफिस रिलेटेड ही किसी को फोन करके कुछ बोलना हो मैं सोचती अरे बापरे पता नहीं क्या होगा वो इंसान मेरी बात समझेगा कि नहीं अग्री करेगा कि नहीं फिर मैंने अपने को इस डुअर मोड से हटा दिया मैंने कहा रूपाली सैलरी मिल रही है ना बस सैलरी से मतलब रख और ये काम अलॉटेड है तो कृष्णा भगवान ने दिया है ये काम बॉस तो सिर्फ एक चैनल है तुझे अपना काम अच्छे से करना है एक्सपेक्टेड है कि तुझे ये फोन कॉल करके ये बात बोलनी है तो तुझे ये करना है फिर वो इंसान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ भी काम मत करो क्योंकि भगवत गीता सेशन भगवत गीता में ही बोला गया है कि कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस जाओ सैलरी की अपेक्षा मत करो लेकिन उसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है या फ्रूट्स है उससे आप डिटैच रहो वो गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है उससे आपको मतलब नहीं आपका जूरिस्डिक्शन आपकी बाउंड्री उतना ही है कि मैं ये कर्म कर सकती हूँ मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ मैं ये खाना बना सकती हूँ खाना खा के सामने वाले को डिसेंट्री हो रही है लूज मोशन हो रहा है या वो वाह वाह कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है आपका आपका कहाँ था कर्म कर्म है सब्जी काटना छोंकना उसका सब्जी बना देना करी बना देना और सर्व कर देना इसके बाद वो खा के उंग उंग कर रहा है नाक्स वो वो टेढ़ा कर रहा है आ हा बहुत अच्छा बना उसमें जाना ही नहीं जैसे ही आप उसमें चले गए सपोज आज आपकी सब्जी बहुत बढ़िया बन गई फिर से वो गेस्ट नेक्स्ट टाइम आए आपको कितना टेंशन रहेगा कि बाबा लास्ट टाइम जैसे बना था इस बार भी अच्छा बने या और अच्छा बने या लास्ट टाइम इतना बुरा बना था इस बार मुझे एटलीस्ट बेटर करना है सब टेंशन में जाना ही नहीं है इससे ही एनर्जी लीकेज होता है फालतू की चीजें वो आ करे रहे करे नेक्स्ट डे तो पॉटी में निकल जाएगा हाँ ये ये सिंपल से कंसेप्ट रखो कि आपके आसपास लोग आपकी तारीफ करे या आपको क्रिटिसाइज करे वो भी मर जाएंगे आप भी मर जाओगे एक दिन क्या फर्क पड़ता फिर भूत बनने के बाद ढूंढोगे कि अबे तूने मेरी तारीफ नहीं की थी उस दिन दो एक का कान के नीचे आई यू टू डू दैट नहीं ना स्टोरी वही खत्म हो जा रही है कि नहीं तो जो परमानेंट है जो हमेशा देख रहा है दैट इज कृष्ण भगवान जो हमारे हार्ट में रहते हैं जिनको सब कुछ पता है हमारे थॉट्स हमारे वर्ड्स हमारे एक्शन सब कुछ पता है वो क्या सोच रहे हैं दैट मैटर्स तो बाकी लोगों के बारे में ना सोचकर ये ट्राई करो कि कृष्ण भगवान क्या सोचते हैं अपने लवर के बारे में सोचो यार ही इज योर लवर कृष्ण भगवान और कौन प्यार करेगा आपको आप आप सोचो इतने सारे जो यहाँ पे सृष्टि में लोग हैं मोस्टली जो नास्तिक हैं, जो मानते नहीं भगवान को इतनी गालियाँ देते हैं तो क्या भगवान उनको खाना नहीं देते उनको कपड़ा नहीं देते उनको भी देते हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं क्या वो रोज जाके मंदिर में भजन करते हैं कि मेरे को खाना दो नहीं तो चींटी से लेके हाथी तक भी भगवान ध्यान देते हैं तो वो करुणामयी है वो इतना प्यार करते हैं उनसे बेटर प्यार करने वाला हमें कहीं मिलेगा। आप अगर अपने लवर को महीना फोन मत करो सपोज आपका डिस्टेंस लव अफेयर है, एक महीना फोन मत करो उसके बाद जब आप फोन करोगे गालियां पड़ेगी आपको हो सकता है ब्रेकअप हो जाए हो सकता है उसको कोई और मिल जाए लेकिन आप एक महीना कृष्ण भगवान की पूजा मत करो फिर से आप उनकी पूजा करने के, के बारे में सोचा वो आपको वही खड़े मिलेंगे सेम उनमें कोई चेंज नहीं होगा उतने ही लविंग उतने ही गिविंग उतने ही अंडरस्टैंडिंग तो कौन चाहिए आपको आपको फाइव स्टार का रास्ता दिख रहा है और आप अभी भी इधर उधर की छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स में अपना ध्यान गड़ाए बैठे हो तो उनको देखो उनसे प्यार करो और जब आप उनसे प्यार करने लगोगे एज अ टेस्ट वो देंगे ना आपको क्यूट क्यूट लवर्स तो तब उनके आते ही सोचना है वो कृष्णा प्रसादम है पहले ही कैटेगराइज कर देना सपोज आपको कोई पसंद आता है आपकी शादी होती है वॉट एवर आप उनको बोल देना ये तो कृष्णा प्रसादम है जिस तरह से वो कृष्णा भगवान ने दिया उसी तरह से अगर ले भी लिया तो भी मैं उफ नहीं करूंगी तो क्या हो गया फर्स्ट लेवल पे आप डिटैच हो गए आपका तो वो है ही नहीं वो तो कृष्णा का है कृष्णा ने कुछ दिनों के लिए दिया है और चेक भी कर रहे हैं कि देखते देखता हूं मैं इसके आने के बाद अब ये जो कृष्णा प्रसादा में बहुत फॉर्म्स के होते हैं सपोज आप पागलों की तरह जॉब ढूंढ रहे हो तो भगवान आपको जॉब दे देंगे जैसे ही जॉब मिल जाती है बढ़िया वाली जो आप हमेशा चाहते थे फिर बैठ के प्रभु देखेंगे अब देखता हूँ मैं उतना ही प्यार करती है क्या मुझे जो सोलह सोलह मारा वो दिन रात कर रही थी अब उतना करती है क्या टेस्ट और जो इंसान ये सारे लेवल्स को क्रॉस कर जाता है फाइनली गोलोक वृंदावन का रास्ता उसके लिए खुल जाता है शिव जी का वो सेंटेंस याद रखो वेन यू हैव नथिंग टू लूज यू गेट कृष्णा मतलब जब आप सब चीजों से डिटेच हो जाते हो तब आपको कृष्णा मिलते हैं तो ये इंटेंसिटी वो इश्क कृष्णा से करना है और इश्क कृष्णा से बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है बहुत मंदिर है हमारे इंडिया में बहुत स्पिरिचुअल रिलीजियस पाथ है प्यार करना कौन सिखाता है अरे यहाँ के लोग खुद ही से प्यार नहीं करते कृष्णा से तो प्यार करना दूर की बात है तो आप जो भी इतने ऐसा तो नहीं है कि अब मेरा गीता सेशन सुनने के पहले आपने कोई कहीं कुछ सुना नहीं होगा आपने सुना होगा बहुत अच्छा भी लगा होगा क्योंकि कृष्णा की बात है ना वो तो नेक्टर होगा ही लेकिन कौन आपको प्यार करना सिखा रहा है आपको किस तरह से सिखाया जाएगा कि ये सारी चीजें करनी है क्योंकि नहीं किया तो ये ये प्रॉब्लम मैं आपको वो सब से ही ऊपर उठा दे रही हूँ मैं आपको बोल रही हूँ so क्यों ना करो प्यार इनसे मैं वही तो बता रही हूँ क्यों ना आप इनको मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ कंपेयर करके देखो आपको समझ में आ जाएगा कि इनसे प्यारा तो कोई है ही नहीं तो क्यों ना करूं प्यार कोई इनसे अच्छा कोई है ही नहीं तो क्यों ना करूं प्यार इनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं तो क्यों ना करूं प्यार कृष्णा इस कृष्णा ना उन जैसा कोई है ना हो सकता है और तन मन धन से उनसे प्यार करो खो जाओ उनके प्यार में तब आपको लगेगा ये जो भी आस आस पास की चीज़ें आपको नीचे खींचती है अरे वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा मर जाओगे तो ना खा पी के अगर यही उनकी मर्जी होगी तो यही सही पर इसका मतलब यह नहीं कि उनसे ना प्यार करो बोला क्या प्रभु डरा रहे हो मरी तो जाऊंगी हो तो वैसे भी मरना है पर आपसे प्यार ना करो ऐसा तो कोई रीजन मेरे लाइफ में है नहीं आपसे इश्क ना करूं ऐसा तो मेरे पास कुछ भी पॉइंट नहीं है मैंने तो जन्म ही लिया है आपसे प्यार करने के लिए मेरा तो क्या कहते क्रिएशन ही हुआ है आपसे प्यार करने के लिए आप हो तो मैं हूं आप नहीं तो मैं नहीं बाकी चीज़ों से मुझे कुछ मतलब ही नहीं है इस डीप इंटेंसिटी में प्यार करो और जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कृष्णा से प्यार करूं, तो इतना बता दूं आपके अंदर जो आत्मा है ना वो भी कृष्णा है आपकी आत्मा आपको बॉडी से टाटा करके चली जाए जाए तो कैसा क्या लगेगा सो so, कृष्णा ही आपके शरीर में है आपके हर एक सेल में कृष्णा है वो जो स्पार्क है ना जिसके वजह से आपकी बॉडी और सोल इंटैक्ट है एक दूसरे के साथ वो स्पार्क ही कृष्णा है इतना रीज़न काफी है ना जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड वाले उनके लिए बोल रही हूँ बाकी मेरे ग्रुप में तो सब सिंपल लोग हैं डाउन टू तो अर्थ उन उनको समझ में आ जाता है वो इतना सोचते नहीं क्योंकि उन्होंने फील कर लिया कृष्णा के प्यार को और वो मेरे प्यार को फील करते हैं तो उन्हें लगता है रूपाली अगर इतना प्यार करती तो कृष्णा और कितना ज्यादा करते होंगे लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो नहीं समझते हैं कृष्णा के प्यार को उनके लिए बोल रही हूँ कि आप सांस भी ले पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर कृष्णा है इतना रीजन काफी है उनसे प्यार करने के लिए ठीक तो हम आगे बढ़ते हैं तो फॉर दोज आर स्लीपिंग इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हाउ द सुप्रीम गॉड मैनिफेस्ट इसलिए कृष्णा ने अपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेनरी एक्सपेंशन के बारे में बताया है सो कृष्णा फर्स्ट इन्फॉर्म्स अर्जुन दैट ही इज़ द सेल्फ और सोल ऑफ द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बाय डिंट ऑफ हिज प्राइमरी एक्सपेंशन बिफोर द मटेरियल क्रिएशन द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज प्लेनरी एक्सपेंशन द पुरुषा इनकारनेशन एंड फ्रॉम हिम एवरीथिंग बिगिंस अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कृष्ण क्या बोल रहे हैं किल्फ और सोल ऑफ दर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बिफोर द मेटेरियल क्रिएशन द सुप्रीम लॉर्ड बाशन एक्सेप्ट पुरुषा इनकारनेशन एंड फ्रॉम हिम एवरीथिंग बिगिनस पुरुष बन गए वो उसके बाद ही वो मेटेलिस्टिक एनर्जी को इम्प्रिग्नेट करते हैं दे फो हि इज आत्मा द सोल ऑफ द महत तत्व मतलब द यूनिवर्सल एलिमेंट्स उनकी आत्मा है द टोटल मैटी एनर्जी इज नॉट द कॉज ऑफ द क्रिएशन बट एक्चुअली महाविष्णु एंटर्स इन टू द महा द टोटल मैटी एनर्जी ही इज द सोल वेन महाविष्णु एंटर्स इन टू दैनिफेस्टेड यूनिवर्स ही अगेन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज द सुपर सोल इन ईच एंड एवरी एंटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करो अच्छा इसी में मैं समझाती हूँ। अब तक तो आप लोगों का हां बाबा कितना भारी है शुरू हो गया होगा बोलना ओके सो कृष्णा क्या है वो सोल है किसके सोल है पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन मतलब यूनिवर्स गैलेक्सीज प्लैनेट सब कुछ सब कुछ का वो क्या है वो सोल है आत्मा है तो सृष्टि बनने से पहले मटेरियल क्रिएशन मतलब सृष्टि बनने से पहले कृष्णा क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं जैसे मैंने नहीं बताया मैं अगर एक्सपैंड करके दिल्ली में हूं नागपुर में हूँ कहीं कहीं हूं तो वो एक्सपैंड करते हैं और पुरुष बन जाते हैं पुरुष मतलब मेल यहीं से सब शुरू होता है फिर वो क्या करते हैं वो द सोल ऑफ द महत् तत्व मतलब महत् तत्व मतलब है सारे यूनिवर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स बोलो एलिमेंट्स मतलब जिससे यूनिवर्स बनती है तो वो आत्मा है के। अब जो टोटल एनर्जी है इज नॉट द द ऑफ क्रिएशन मतलब अगर पेट में बच्चा है तो बच्चा आ, मतलब सिर्फ एक बॉडी है पर जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं घुसती वो बच्चा नहीं बनता है वो बच्चे की बॉडी है तो उसी तरह मेटीरियल एनर्जी को आप ये समझो कि जब तक उसके अंदर विष्णु जी नहीं घुसते हैं तब तक वो उनका हार्टबीट बीट धक धक, धक धक स्टार्ट नहीं होता है ठीक है कैसे ही तुम लोगों को पता होगा जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो डॉक्टर बोलता है हाँ अब हार्ट बीट आ गया बच्चे में मतलब सोल ने एंटर कर लिया उसी तरह ये मेटीरियल एनर्जी में जब विष्णु जी एंटर करते तो सोल एंटर कर जाता है अब ये बन गया क्या बन गया पूरा यूनिवर्स बन गया अब यूनिवर्स बनने के बाद वो फिर से एक्सपेंड करते हैं और सुपर सोल बन के हर एक एंटिटी uh, में घुस जाते हैं मतलब मेरे अंदर एक सुपर सोल तुम्हारे अंदर एक सुपर सोल इस तरह हर लिविंग बींग के अंदर वो सुपर सोल बन के घुस जाते हैं वी है पर्सनल बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिचुअल स्पार्क जो मैं अभी बोल रही थी मैंने देखो मैं ये सब पढ़ी भी नहीं मैं धप से बैठ जाती हूँ बस भगवदगीता सेशन बोलने लेकिन भगवान वही बोलवाते हैं जो रेलिवेंट है सो द पर्सनल बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिचुअल स्पार्क एक इंसान जिंदा है और एक इंसान मर गया उसमें क्या डिफरेंस है जब वो इंसान जिंदा है वो बेड पर सोता है जब वो मर जाता है उसको जमीन पर क्यों रखा जाता है उसका हाथ पैर नाक मुंह तो सब है तो ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है ये स्पिरिचुअल स्पार्क ने उसको छोड़ दिया तो जैसे वो स्पिरिचुअल पार्क में उसको छोड़ दिया उसे अपवित्र माना जाता है ठीक है डेड बॉडी डेड बॉडी को छूने से नहाना क्यों पड़ता है शमशान घाट जाओ तो नहाना क्यों पड़ता है वापस आके अपवित्र क्यों माना जाता है क्योंकि पवित्रता किससे आती है कृष्णा से कृष्णा शरीर में जब घुसते हैं आत्मा बनकर बीट आ जाता है वो इंसान जिंदा होता है कृष्णा निकल गए तो मिट्टी सो so यही है स्पिरिचुअल। समझ रहे स्पिरिचुअलियल मैनिफेस्टेशन कैनॉट डेवलप अनुप्रीम सोल ऑफ कृष्णा एंटर्स तो जब तक कृष्णा नहीं घुसते हैं तब तक ये यूनिवर्स बनेगा ही नहीं तो खुद सोच लो आप

जो कि आप श्रीमद भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ोगे उसमें ये पूरा किस तरह क्रिएशन बनता है वो सारा कुछ उसमें बताया है तो ये तीन है उनके मेन फीचर्स द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा द कॉज ऑफ ऑल कॉजे लाइज डाउन इन द कॉस्मिक ओशन एज महाविष्णु और कर्णो दक्षि विष्णु एंड देखो कृष्णा इज द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन एंड द एंड ऑफ ऑल द एनर्जी वही शुरुआत है वही एंड है वही सब कुछ है तो ये है कृष्णा का जो उन्होंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट वाले मैं समझा दू अर्जुन को तो हमने दो टेक्स्ट आज कवर किए टेक्स्ट नंबर ट्वेंटी तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे लेकिन एज uh, यूज़ुअल मैं आप लोगों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन लेती हूँ सो दैट ये तो भारी भारी वाला ज्ञान हो गया अब आता है इम्प्लीमेंटेशन वाला ज्ञान तो ये सब तो चलो समझिए हम हमें तो एक्चुअली देखा जाए तो गर्भोदयक्षी विष्णु कर्णोदयक्षी विष्णु शिरोदयक्षी विष्णु समझ कर भी हम कुछ नहीं चेंज कर सकते हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे भारी भारी वर्ड्स और श्लोकास हमारे सच में उस हिसाब से सिर्फ थोड़ी बहुत क्लेंजिंग होती है डेफिनेटली बिकॉज इस वर्ड में ही एनर्जी है लेकिन जब आपके लाइफ में परेशानी आती है तब आप इस नॉलेज को कैसे यूज़ करोगे बताओ ध्यान से सोचो बॉस ने आपको गाली दी तब आप क्या सोचोगे कि अरे कर्णो दक्षी विष्णु देख लेंगे तेरे वो। ऐसा बोलोगे क्या हेल्प अरे तुझे पता नहीं तेरे से बड़ा गर्ब दिस हेल्प तो इसलिए मैं श्लोकाज नहीं पढ़ती बहुत लोगों ने बोला आप श्लोक क्यों नहीं पढ़ते हो कहा क्या होगा इंग्लिश में तो लिखा है नीचे मैं संस्कृत में आड़ा तेड़ा ऐसा नहीं कि मेरे को संस्कृत नहीं आता मैं कॉलेज टॉपर हूँ संस्कृत की लेकिन उत्तर प्रोनाउंसिएशन अच्छा है भी नहीं मेरा और संस्कृत का मैं एक एक उ करके एक एक वर्ड बोलूंगी मैं चलो बोल भी लू एक बार का आप समझ पाओगे तो व्हाई टू वेस्ट टाइम एंड अगेन भगवद गीता में ये सब जो लिखा है हाउ शल वी इम्प्लीमेंट इन लाइव्स तो अब ये जो आज आपने नॉलेज लिया अब मैं आपको समझाती हूँ अब ध्यान से समझो मेरी बात को सो so, हम कहाँ हैं हम अपने घर में हैं सपोज अपने बेडरूम में थोड़ा सा एक्सपेंड करो व्यू सैटेलाइट व्यू से देखो मेरा बेडरूम कहाँ है मेरे फ्लैट में मेरा फ्लैट कहाँ पर है रूनवासीगर में मेरा जो सोसाइटी का नाम है सो so, वो सोसाइटी कहाँ है पूना में है पूना कहाँ है इंडिया में है ऊपर ऊपर जा रहे देखो सैटेलाइट व्यू से छोटा छोटा हो जा रहा हम्म जोम्मणा इंडिया में है इंडिया कहाँ पर है इंडिया है एशिया में एशिया कहाँ पर है एशिया है हमारे अर्थ पे। अर्थ कहाँ पर है अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम कहाँ है वो आप गैलेक्सी पकड़ो जो भी है वो आप लोग बेटर समझोगे ऐसे करते करते ये भी सारी चीज कहाँ पर है यूनिवर्स में और ऐसे कैसे कितने सारे यूनिवर्स हैं मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है ये करते करते ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ कृष्णा के सामने क्या है कुछ भी नहीं वो सांस लेते हैं ये सब उनके अंदर चला जाता है वो सांस छोड़ते हैं तो ये सब फिर से बन जाता है इसी को एनहिलेशन बोलते हैं तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन वो सांस लेते हैं डिस्ट्रक्शन वो सांस छोड़ते हैं क्रिएशन तो अब बताओ हम कितनों से हैं फिर कृष्णा के सामने हम कितनों से चीटी के बराबर भी नहीं है अगर हम ही इतनों से हैं तो हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी सोचो हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी? और छोटी होगी सो डज इट रियली मैटर जो प्रॉब्लम को लेकर हम अपना सर फोड़ रहे हैं अगर बॉस ने हमारे साथ बदतमीजी की गाली दी इज इट सच अग प्रॉब्लम नो इससे कहीं बड़ी बड़ी चीजें हो रही है इस यूनिवर्स में तो सबसे पहले क्या करो उस प्रॉब्लम का भाव कम कर दो आप प्रॉब्लम को अगर भाव दोगे ना तो बहुत बड़ी लगेगी जैसे बलून है बड़ा सा बलून आपके सामने आप सबसे पहले उसकी हवा निकाल देन इट इज डिलेबल तो आप इस प्रॉब्लम का भाव हटा दो लवर ने छोड़ दिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाव कम कर दो बोला अरे इसके मैं तो इतना सी इसके ऊपर इतना बड़ा इसके ऊपर इतना इसके ऊपर इतने बड़े भगवान तो इतनी बड़ी सृष्टि में इतनी सी मैं मेरे उतना सा छोटा सा प्रॉब्लम वाई एम आई मेकिंग अ बिग डील ऑफ इट इट्स नॉट अ बिग डील बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है पर अगर ये प्रॉब्लम के वजह से मैंने बैड कर्मा कर दिया मेरे थॉट्स गड़बड़ हो गए मैंने भी कुछ गलत कर दिया देन इट बिकम्स अ बिग डील फॉर मी अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग डील इट्स जस्ट अ कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइजेशन मैंने किया होगा उसने किया बात खत्म मैंने उसको छोड़ा होगा लास्ट लाइफ में उसने मेरे को छोड़ दिया इस लाइफ में तो हवा निकाल दो यार प्रॉब्लम से तो आपको दिखेगा छोटो सा हो गया वो प्रॉब्लम आपके सामने अब आप डील कर सकते हो तब आपके पास टूल्स है आपके पास साधना है आपके पास संकल्प चैंटिंग है आपके आपके पास पास है 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 सुपर सुपर साधना साधना से पोटेंट कुछ है ही नहीं इतने सारे फीडबैक्स सा आ रहे हैं उसके बारे में आपका बच्चा रो रहा है चिड़चिड़ कर रहा है आप सुपर क्लेंजिंग साधना उसके पास सिर्फ लगा दो बच्चा रोना बंद कर देगा अभी इसी वीक दो तीन लोगों ने बोला तुरंत के तुरंत हुआ एक हमारे ग्रुप में जो है सोमा उसका बच्चा ऐसा ही चिड़चिड़ कर रहा था रो रहा था उसने सुपर क्लेंजिंग साधना लगा दिया आधा घंटा का होता है उसके बाद बच्चे को पूछा मतलब सारा दिन ही चिड़चिड़ कर रहा था बच्चे ने बोला मुझे स्पाइडर मैन जैसा फीलिंग आ रहा है कि मैं स्पाइडर मैन जैसे जम्प करूँ फिर मनी नागमनी का भी बच्चा चिड़चिड़ कर रो रहा था उसने भी बोला कि माँ मैं क्या करूँ उसको बोला सुपर क्लेंजिंग साधना लगा दे उसका बच्चा ठीक हो गया तो ऐसे बस बता रही हूँ मैं मतलब आप लोग तो और बढ़िया वो कर सकते हो जो क्लेयर वर्ड्स है उन्होंने तो देखा है कि उस समय राधा कृष्णा आके गोल्डन एनर्जी से ब्लेस करते हैं कितने सारे लोगों ने कंफर्म किया है ये चीज तो घर बैठे बैठे आपकी आपका पेन चला जाएगा आपका इमोशनल प्रॉब्लम चला जाएगा आप मन लगा के करो तो लेकिन अगर आप अपने प्रॉब्लम को बहुत बड़ा अपने से भी बड़ा समझोगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे इसलिए उसका भाव कम कर दो उसकी हवा निकाल दो तब डील कर सकोगे तब लगेगा कि हाँ जब ये सब हो जाएगा तब आपको पता है कि इतने बड़े रचयिता जो हैं क्रिएटर जो हैं वो कभी कुछ गलत होने देंगे तो किस बात का डर आपको लगता है जो इतने यूनिवर्स बना रहा है वो हर एक में सुपर सोल जैसे घुस रहा है वो आपके साथ कुछ गलत होने देगा आपको लगता है बिना कैलकुलेशन का वो यूनिवर्स बना रहे इतने बड़े बड़े नो no, है सिग्निफिकेंस कर्णोदा विष्णु मतलब पूरे ओशन में जो फैले हुए हैं ठीक तो इतने बड़े हैं वो वो आपके साथ कुछ गलत होने देंगे जब वो स्वयं आपके अंदर बैठे हैं इस बात को समझो वो आपसे अलग है वो आपके हार्ट में बैठे है सुपर सोल तो जब आपके हार्ट में वो सुपर सोल बैठे हैं परमात्मा सुपर सोल तो वो क्या गलत होने देंगे नहीं होने देंगे ना वो अपने साथ ही कैसे गलत कर सकते हैं तो जब आपको ये विश्वास आ जाएगा तब आपको आपका सोल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा जैसे आपका सोल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तब आप प्रॉपरली हैंडल कर सकोगे आपकी सारी परेशानियों को क्योंकि आप डिटैच हो जाओगे डज इट मैटर नो नथिंग मैटर्स ओनली थिंग मैटर्स इज कि परेशानी के चक्कर में मैं अपने लवर को भूल गई क्या मेरे कृष्णा जो हमेशा मेरा साथ देते हैं जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते चुपचाप रहते हैं मैं उनको उनकी पूजा ना करूं तो भी कंप्लेन नहीं करते मैं उन्हें कुछ खाने को ना दूं तो भी कंप्लेन नहीं करते मैं उनसे प्यार से बात ना करूं तो भी कंप्लेन नहीं करते फिर से मैं जब उन्हें गले मिलती हूं वो फिर से हक कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे किसी को छोड़कर मैं किस बेवकूफ़ वाली चीज़ों में उलझी हुई हूँ अगर आप में से अभी कोई परेशान है तो तुरंत निकलना है आपकी परेशानी को अपने सामने लाओ अभी देखो कितनी बड़ी है परेशानी अभी भी बड़ी है चलो हाथ में एक पिन लो और चुपके से परेशानी को भोग के उसकी हवा निकाल दो विजुअलाइज करो करो इमेजिन देखोगे आप वो छोटी सी हो गई अब बोलोगे नाउ आई कैन डील इट जब मेरे साथ कृष्णा है तो किस बात का डर है जो वो मेरे अंदर ही है मेरे बाहर ही है कण में है मेरे मन में है मेरे बॉडी के हर एक सेल में है सो हाउ डज इट मैटर हो ही नहीं सकता और जो भी हो रहा है वो वो बस मुझे ये मानना होगा वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है जैसे अब मैं हमेशा ऑपरेशन टेबल वाला आपको बताती हूँ कि जब हमारे हमारे जो नेगेटिव लोअर इमोशंस है वो बुलेट जैसे हैं बंदूक के जो गोली होती है वैसे हमारे बॉडी में वो लगे हुए हैं उन्हें ना निकालो तो पॉइजन फैल जाएगा पर उन्हें निकालने के लिए बॉडी को काटना पड़ेगा थोड़ा उससे पेन होता है तो उसी तरह हमारे लाइफ के सिचुएशंस जो पेनफुल लगते हैं वो हमें यही दिखाने के लिए आते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव लोअर इमोशंस हैं जिनके रहते हम कभी भी कृष्णा तक पहुंच नहीं पाएंगे जिनके रहते हम कभी भी कृष्णा से वो हाई लेवल का प्यार नहीं कर सकते ये तो वेस्ट होगा ना तो क्यों ना निकाल ले हम ये तो सुपर क्लेंजिंग साधना आप अगर करोगे तो रूट लेवल से आपके नेगेटिव लोअर इमोशंस खत्म होंगे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हो सके तो रोज करो नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार करो और फिर उतना ही प्रेम करना है कृष्णा से क्योंकि वही सब कुछ है तो हम लोग अभी सरेंडर करें चलिए मेरे साथ आपको गाना है अपने सामने राधा कृष्णा को इमेजिन करिए आपका प्रॉब्लम तो छोटू सा कीड़ा जैसे हो गया उसको साइड में रख दीजिए ठीक है रिलैक्स इनहेल स्लोली होल्ड एक्सेल स्लोली होल्ड ब्रीथ नॉर्मली पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हैं कुछ भी नहीं है प्रभु हमारा सब कुछ तो आप हो सब कुछ आपका ही है जो अच्छा है मेरे लाइफ में वो भी कृष्णा प्रसादम जो बुरा है वो भी कृष्णा प्रसादम बुरी चीज़ें मेरे लाइफ में है क्योंकि मुझे अच्छाई का आभास करा सके मैंने ही वो बुरी चीज़ों को लास्ट टाइम एंटरटेन किया था पर आपकी एनर्जी से वो सारी बुरी चीजें खत्म हो सकती है मेरे का हर एक सेल आपका है मैं पूरी तरह से सरेंडर्ड हूं आपके चरणों में तन मन धन सब है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे सब कुछ दे दो उनको सब कुछ दे दो खुद को भी दे दो बोलो मैं आपकी सर्वेंट मुझे अब जैसा यूज करना चाहते हैं करिए मेरा और काम ही क्या है मैं यहाँ पे एमडी लेवल पे भी चली गई तो क्या एक दिन मर जाऊंगी तो फिर एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा तो क्यों इतना मैं उछलती कूदती नाचती हूँ किस धोखे में हूँ मैं किस भ्रम में हूँ मैं मेरी खुद की बॉडी भी तो मेरी नहीं है वो भी तो एक दिन राख बन जाएगी इतना लड़ाई झगड़ा इतना अपनी बात मनवाने की कोशिश क्यों क्यों अपने आप को प्रूफ करना है सबके सामने क्यों एक्सप्लेनेशंस देने हैं क्या फायदा होगा ये सबसे क्या मिल जाएगा मुझे जो मिलेगा वो भी तो टेम्परे होगा मुझे तो सिर्फ कृष्णा चाहिए मेरा मतलब सिर्फ कृष्णा से है कि कृष्णा कभी भी मुझे अपने चरणों से दूर ना करे बाकी किसी चीज से मुझे मतलब नहीं मेरा परमानेंट जगह है कृष्णा के चरणों में प्रभु वहाँ से मत हटाइए एक बंगाली गाना है जो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दो सेंटेंस गाऊंगी इसकी एनर्जी समझिए चोरोनो धोरीते दियोग एज यूजल मेरा म्यूट हो गया था मैंने आग बंद कर ली थी तो सब टू सिंग अगेन सॉरी चोरो धोरी ते दियोगो आमारे नियो ना, नियो ना जी बो धोरी बो जोड़ाए चोरो नो धोरी ते दियो आमारे नियो हमारे ना, नियो नानी नौराए मतलब कभी भी मुझसे ये फैसिलिटी मत छीने कि मैं आपके पैरों को पकड़े रहूं मैं अपना सब कुछ न्योछावर करके बस आपको पकड़ के रखना चाहती हूँ मुझे इससे वंचित मत करिए प्रभु जिंदगी मृत्यु सब कुछ देख के मैं सिर्फ आपको हक करके रख रहना चाहती हूँ मुझे इससे वंचित मत कीजिए प्रभु बाकी जो लेना है ले लीजिए ये एक ही चीज़ मैं आपसे मांगती हूँ कि आपके चरणों में जगह और आपके आपको हक करने का प्रिविलेज आप इसका पूरा गाना सुन सकते हैं यूट्यूब में आपको मिल जाएगा दादार कीर्ति बोल के एक मूवी थी उसमें है लिरिक्स को आप ट्रांसलेट करके समझो बहुत ही डीप भजन है तो ये इसका मैंने एक ऑडियो भी बनाया था हमारे ग्रुप मेंबर्स के पास होगा आपको किसी को इसमें से आपको जरूरत होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट आनंदिता मिल जाएगा आपको तो आप बंगाली गाना और मेरे बेसुरे आवाज़ को इग्नोर करके आप सिर्फ उसकी एनर्जी को समझो कि सब कुछ से थक के हार के जब हम भगवान के शरण में आते हैं दैट इज सरेंडर दैट इज भक्ति एक इमरान हाशमी की भी मूवी आई थी जिसमें फाइनली वो बुद्धिस्ट बन जाता है उसमें भी ऐसा ही एक गाना था विच वॉज़ वेरी टचिंग तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं तुझसे रहा क्यों जुदा मुझ पे ये ज़िंदगी करती रही सितम तूने ही दी है पना तेरा मेरा रिश्ता पुराना तो ये वाले में भी इसका इसके वर्डिंग्स का मतलब समझो ये जिंदगी ने कितने सितम किए मुझ पर लेकिन मैंने कभी तेरा यकीन ही नहीं किया तुझसे जुदा रहा तेरी पनाह में मैं कभी आया ही नहीं तो अब आते हैं चलो छोड़ दो सब कुछ इफ्स एंड बट्स आओ कृष्णा के पनाह में आओ एक्सपीरियंस तो करके देखो इट इज अमेजिंग इट इज वंडरफुल सच बता रहे हो इस इसको जब आप चक लोगे नथिंग एल्स विल मैटर नथिंग एल्स विल मैटर तो इसी से हम ये सेशन खत्म करते हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद so प्रभु। की जय थैंक यू सो मच प्रभु आपकी स्तुति करने का चांस दिया आपने और लाइफ में क्या है कुछ भी तो नहीं है थैंक यू सो मच आपने एज चैनल चूज किया हमें बस जो मैंने कहा आपसे कि आपके चरण ना छुड़ाइए हमसे कभी वहीं पड़े रहने दीजिए थैंक यू राधा कृष्ण ओके हैव अ नाइस वीकेंड टेक केयर ऑल ऑफ यू स्माइल करते रहिए और हरी बोल करते रहिए बाय बाय